नमस्कार दोस्तों, हक इन क्रेज सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक करेक्टर को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रिंट किया जा सकता है। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ऑपरेटर एंड इट्स टाइप टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और डिटेल्ड नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आज का टॉपिक और आज के जो लेक्चर है वो आपको 100% समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया कि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं किस तरह से एक करैक्टर को हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो करैक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले अपने को काफ़ी कुछ काम करना होगा, एक प्रोग्राम लिखना होगा। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। आप इस प्रोग्राम को देखिए। सबसे पहले मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को ऐड करा दिया, उसके बाद मेन फंक्शन ऐड कराया, उसके बाद इंटीजर सी इक्वल टू 5 ले लिया है, प्रिंट एफ करा रहा हूँ मैं, गिवन इंटीजर इज परसेंटाइल डी कॉमा सी और गेट सी एच लगा दिया है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, पहले कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को, कंपाइल करने पर कोई गलती नहीं है और रन कर रहा हूँ तो देखिए इस तरह से गिवन इंटीजर इज 5, ये हमने पिछले एपिसोड में सीख लिया था। और अभी हम बात कर रहे हैं करैक्टर को डिस्प्ले कराने की। तो करैक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर हमको कीवर्ड यूज करना होगा करैक्टर का, जो कि है कैर, ठीक है, कैर 5, कैर सी इक्वल टू 5। अब 5 तो करैक्टर है नहीं, बट आप इस तरह से कोट्स लगाकर जो भी करैक्टर डिस्प्ले कराना चाहो वो करैक्टर डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एच, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अब गिविन करैक्टर इज, थोड़ा सा एडिटिंग कर देता हूँ जिससे कि आपको अंडरस्टैंडेबल हो कि भाई ये हो क्या रहा है, इज परसेंटाइल डी। अब करेक्टर का तो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल सी कॉमा सी। अब अगर इसको रन कराएंगे, अब इसको कंपाइल करा लेते हैं पहले कि भाई गलती है नहीं है, देखिए कोई गलती नहीं है। चलिए इसको अब रन करते हैं, गिवन करेक्टर इज एच। अब अगर मैं यहां पर करेक्टर चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पर करेक्टर कर दिया जी, तो यहां पर ये करेक्टर जो सी है परसेंटाइल सी, अब ये सी इस परसेंटाइल सी से रिप्लेस हो जाएगा और आपका करेक्टर क्या दिखाने लगेगा, जी, ठीक है। और अगर मैं यहां पर कोई काउंटिंग डाल देता हूं तब क्या होगा, अगर मैं यहां पर काउंटिंग डाल रहा हूं और इसे कंपाइल कर रहा हूं और रन कर रहा हूं, तो देखो गिवन करेक्टर इज 4। तो ये 4 करेक्टर नहीं, आप सोच रहे होंगे कैसे ये 4 दिखाने लगा इंटीजर को, बट ये 4 को इस वक्त एज अ करेक्टर ट्रीट कर रहा है, ठीक। अब अगर मैं यहां पर नाम लिख देता हूं और इसको प्रोग्राम को कंपाइल कराता हूं तो क्या होगा, देखिए इसने एरर दिखा दिया। एरर क्या दिखाया, करेक्टर कॉन्स्टेंट मस्ट बी 1 or 2 करेक्टर्स लॉन्ग। यहां पर मैंने काफी सारे करेक्टर्स यूज कर लिए हैं जो कि एक साथ। अब करेक्टर का जो एरे है ये, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ करेक्टर्स, ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग। अब अगर मैं लिखता हूँ करेक्टर सी इक्वल टू, ऐसे कोट्स में हक इन क्रेज पूरा लिख देता हूँ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे को करेक्टर में हम एक सिंगल करेक्टर को ही स्टोर कर सकते हैं, लाइक दिस। देखिए अब इसने दिखा दिया गिवन करेक्टर इज के। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम एक से ज्यादा करेक्टर्स को लेकर चलते हैं तो ये एरर दिखाता है, क्योंकि हमारा ये करेक्टर नहीं होता, ये हमारे करेक्टर का एरे है जो कि कहलाता है स्ट्रिंग। अगर एक से ज्यादा करेक्टर्स आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे करेक्टर डी इक्वल टू के, अब देखिए क्या ये हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है। देखिए एरर दिखा दिया, एक एरर क्यों दिखाया है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं के, देखिए ये के, इसमें हमने डबल कोट्स का यूज कर लिया है, और जो भी हमारा करेक्टर होता है उसमें हम कैसा यूज करते हैं कोट्स, सिंगल कोट्स। ये अक्सर गलतियां आती हैं स्टूडेंट्स की, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और अभी सिंगल, इससे हम अगर इसे कंप्लेन करना चाहते हैं तो देखिए होता है,
करेक्टर इस जी दिखाने लगा है, अगर हम इसको भी यूज करना चाहें परसेंटाइल सी, और इसी के साथ ही हम लिख देते हैं परसेंटाइल सी, यानी कि दो परसेंटाइल सी हैं, कॉमा सी कॉमा डी, और इसे कंपाइल करते हैं तो देखिए आपको दो करेक्टर एक साथ दिखाने लगा है गिवन करेक्टर इस जी के। तो होप सो आपको ये करेक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये करेक्टर का कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करेंगे स्विच में, और भी काफी जगह पर यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से एक डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर करेक्टर डेटा टाइप का यूज़ किया। तो करेक्टर डेटा टाइप के लिए हमने लिखा था कैर, और उसके बाद उसका वेरिएबल जो भी हम उस डिफाइन कर रहे हों, ठीक है, और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटाइल सी। और हमने ये भी देखा कि अगर हमारा कोई करेक्टर है हम उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो क्या लिखना होता है, प्रिंट एफ, उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग, और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि था परसेंटाइल सी, और कॉमा लगा के वेरिएबल करने। अगर हमारे को दो करेक्टर्स डिस्प्ले कराने थे तो हमने परसेंटाइल सी दो बार लिखा, और उसके बाद दोनों वेरिएबल के नेम लिखे जिससे कि वो रिप्लेस हो गए। हमने यूज़ किया था जी और के, और वो रिप्लेस हो चुके थे, और हमारा आउटपुट दिखा रहा था जी के। और इसी के साथ साथ हम अगले वीडियो लेक्चर्स में ऑपरेटर एंड इट्स टाइप को भी डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इसमें वैल्यूबल थिंग्स हमने शेयर की आपके साथ। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, एंड दिस चैनल इज़ न्यू सो प्लीज़ सपोर्ट अस। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिससे कि वो भी सी प्रोग्राम सीख सकें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हम कमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि कमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने गूगल अकाउंट से, अपने जीमेल वाली ईमेल आईडी से और पासवर्ड से यूट्यूब पर लॉगिन करना होगा, उसके बाद आप बिल्कुल कमेंट कर सकेंगे। सो दिस इज़ मी जी कृष्णा चौहान, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।